आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। 15वीं विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हुआ। विधानसभा के पहले दिन की कार्यवाही आज जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और इसे निहायती घृणित कार्यवाही बताया तथा सरकार से इसके खात्मे के लिए कठोर कदम उठाने का आग्रह किया गया। 21 फरवरी तक चलने वाले इस 4 दिवसीय सत्र में कुल 3 बैठकें होंगी। 19 फरवरी मंगलवार को शासकीय अवकाश होने के कारण सोमवार, बुधवार और गुरुवार को बैठकें आयोजित की जाएंगी। विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कल विधानसभा में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि सत्र के मद्देनजर अब तक विधानसभा सचिवालय में करीब 727 प्रश्नों की सूची प्राप्त हुई है। ध्यानाकर्षण की 167, स्थगन की 8, शून्यकाल की 64 और 3 अन्य याचिकाएं प्राप्त हुई हैं। सत्र के दौरान करीब 89,000 करोड़ रुपए का लेखानुदान पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री तरुण भानोट अगले वित्त वर्ष के शुरुआती 4 महीनों का खर्च चलाने के लिए यह लेखानुदान पेश करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इसमें सबसे ज्यादा बजट किसानों के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा युवाओं और कर्मचारियों के लिए भी कुछ जरूरी प्रावधान किए जा सकते हैं। जिसके साथ ही आज तीसरा अनुपूरक बजट भी पेश किया जाना है जो करीब 4,000 करोड़ रुपए का होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के विकास कार्यों को आगे नहीं बढ़ा रही है। श्री नरसिम्हा ने भोपाल में पत्रकारों को बताया कि मौजूदा सरकार राज्य के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ भी नहीं मिलने दे रही है। उन्होंने कहा कि 15 सालों में भाजपा ने तेजी से विकास किया था, लेकिन वर्तमान सरकार के 2 महीने में ही इसकी रफ्तार धीमी हो गई। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि 2 महीने पहले तक मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना के काम में देश में अव्वल था, लेकिन प्रदेश सरकार इस योजना के तहत दी जाने वाली अपने हिस्से की राशि नहीं दे रही है। इसके चलते इस योजना का काम बंद पड़ा हुआ है। उन्होंने राज्य में अपराध बढ़ने का आरोप भी लगाया। इस संदर्भ में उन्होंने हाल में घटित कुछ घटनाओं का जिक्र किया। भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस किसानों को भ्रमित कर रही है, उन्हें कर्ज माफी के कारण अन्य योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आज जारी मुठभेड़ में 2 अज्ञात आतंकवादी मारे गए और सेना के 1 अधिकारी सहित 4 सैन्यकर्मी शहीद हो गए हैं। जिले के पिंगलीना क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान 1 नागरिक की भी मौत होने की खबर है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार आतंकवादियों की पहचान करने के साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि उनका किस गुट से संबंध रहा है। सूत्रों के अनुसार आतंकवादियों में से 1 के पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश से संबंध होने का अनुमान है। सुरक्षा सूत्रों ने कहा कि रिहायशी इलाकों में 1 और आतंकी के छिपे होने की संभावना होने के कारण मुठभेड़ स्थल में तलाशी अभियान जारी है। प्रदेश में युवा स्वाभिमानी योजना में अब तक 49,294 बेरोजगार युवाओं ने अपना पंजीयन करवाया है। योजना में 21 से 30 वर्ष आयु समूह के शहरी युवा पंजीयन करवा रहे हैं। योजना में 2 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवार के शहरी युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों में 21 फरवरी से पंजीकृत युवाओं को 10 दिन का प्रशिक्षण और उसके बाद 90 दिन का काम दिया जाएगा। इस दौरान युवाओं को 100 दिन में 13,500 रुपए स्टाइपेंड भी मिलेगा। हरियाणा के हिसार में खेली जा रही 9वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में प्रदेश की महिला टीम ने सेमीफाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र को 2-1 से परास्त कर फाइनल में जगह बना ली। स्वर्ण पदक के लिए फाइनल मुकाबला मध्य प्रदेश और इंडियन रेलवे के बीच खेला जाएगा। प्रदेश के मौसम में तापमान के उतार चढ़ाव का दौर जारी है। अधिकांश स्थानों पर दिन में धूप खिलने से जहां गर्मी का असर बढ़ने लगा है, वहीं रात में हवाएं चलने और तापमान में कमी आने से सर्दी का एहसास बरकरार है। राजधानी भोपाल में पिछले 24 घंटे के दौरान दिन में धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी हुई, वहीं शाम होते होते हल्की सर्दी भी पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में उतार चढ़ाव का दौर अभी कुछ दिनों तक चलेगा और यह बदलाव राजस्थान पर बने चक्रवात के उत्तर प्रदेश की तरफ
खिसकने से हो रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई स्थानों पर बादल छाए रहने और हवाओं का रुख बदलने से कई जगहों पर तापमान बढ़ने का अनुमान जताया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज भोपाल में प्रदेश के नागरिकों को त्वरित चिकित्सा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 40 नई 108 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और शहडोल जिले में मद्य पदार्थ पाए जाने के आरोप में 2 जेल प्रहरियों को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।